वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2024 तक के, क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिलती है, और जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर अपने जो हमने करंट पढ़ लिया है उसको अपने एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि साथ साथ में अपने पीछे का करंट भी रिवाइज करना जरूरी है। तो यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, और आने वाला एग्जाम यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, सीएटी, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे और फटाफट मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। इन दोनों को आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। अगला क्वेश्चन, किस पैरा शटलर खिलाड़ी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया। किस पैरा शटलर खिलाड़ी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया, तो ये किया है प्रमोद भगत को। ऑप्शन नंबर एक है, किसको कर दिया, प्रमोद भगत को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। इसकी मैंने आपको अलग से पूरी की पूरी क्लास दे दी है, पूरा डाटा मैंने इसका दे दिया अलग से, और एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वो जो मैंने अलग से क्लास करवा दी ना, कहीं से कहीं किसी भी प्रकार का करंट का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जो मैं आपको अलग से क्लासें करवा रहा हूँ उनको आप बढ़िया तरीके से अध्ययन किया करो उनकी। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किसने, ऋषभ शेट्टी ने, और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, कांतारा। कौन सी थी, कांतारा। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे ऋषभ शेट्टी। भारतीय सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया, तो ये किया है 15,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी 15,000 फीट की ऊंचाई पर है आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है किसने, भारतीय सेना ने। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला, तो ये संभाला है श्री संदीप पौंड्रीक ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने, श्री संदीप पौंड्रीक ने। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को कहां होगा। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को आयोजन होगा इसका जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर एक है, कहां पर होगा, जयपुर में। हाल में किस राज्य का मान्याचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना है। हाल ही में किस राज्य का मान्याचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना, तो वो बन चुका है महाराष्ट्र का, और जल्द ही एक सितंबर से पहले पहले सीएटी के लिए बुक आ जाएगी स्पेशल अपनी। राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों का करंट एक साथ आपको मिलेगा, उसके अंदर जनवरी से लेकर अगस्त तक वो बुक आएगी। तो एक सितंबर से पहले 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 आपको सीएटी स्पेशल आपको वस्तुनिष्ठ बुक मिलेगी। हाल में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर। इन दोनों के अंदर आगामी दोनों राज्यों में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर बी, इसको पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त कर दिया। प्रीति सुदन को आप जानते हो, यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई। कौन है, प्रीति सुदन।
आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, कौन है? 25वें महानिदेशक बने थे राकेश पाल है, और अभी हाल ही में इनका निधन है हो चुका है। तो आईसीजी के महानिदेशक थे राकेश पाल है, इनका हाल ही में निधन है हो चुका है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया, यह कब सेना अध्यक्ष बने थे? एक और भारतीय सेना के पूर्व जनरल थे सुंदरराजन पद्मनाभन, इनका भी निधन हो गया, और ये सेना अध्यक्ष बने थे सन 2000 के अंदर। कब बने थे? सन 2000 के अंदर ये सेना प्रमुख है बने थे। भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते? तो इसका आयोजन हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में। कहां पर है? चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहां पर टोटल भारत ने 8 पदक जीते। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ? तो ये हुआ है सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, CSR की फुल फॉर्म होती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये सर्वाधिक व्यय कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर इसका व्यय किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो माना जाता है कि अगले महीने से जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिए। तो वो कह रहे थे कि मैं अब अगले महीने से जापान के पीएम पद से इस्तीफा देने वाला हूं। 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? देखो, 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन किस देश की है? पोलैंड देश की पहली बार यात्रा करी है। तो पोलैंड देश की वो यात्रा पर रहे थे 45 साल के अंदर, 45 साल बाद में मोदी जी की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा रही है। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया है? तो अमेरिकी मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल है विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर, यानी कि अपने वर्तमान में आरबीआई के ये गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया? तो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया? तो ये बताया गया अमूल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको बताया गया? अमूल को। भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ आयोजित हो चुकी है? भारत और जापान के बीच में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की? तो ये की है, ध्यान रखना किसने, हिमाचल प्रदेश के सीएम है कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुक्खू के नाम से सीएम है, उन्होंने बाल पौष्टिक आहार की शुरुआत की। किसने नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं PROMPT की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया? और मैंने स्पेशल CAT एग्जाम के लिए ऐप और पोर्टल की अलग से आपको मैंने क्लास भी करवा दी, इसके अलावा युद्ध अभ्यास भी मैंने करवा दिए, धीरे धीरे आपको और भी क्लासेस की मिलेगी। तो मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली के अंदर थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है, यानी कि राज्य कर्मचारी बीमा आयोग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया? किसने ये संभाला है? अशोक कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला है? अशोक कुमार ने संभाला। टी ट्वेंटी में एक ओवर के अंदर 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, कौन सा भी आगे एग्जाम मान लो पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो T20 के अंदर एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है डेरियस विसर ने। ऑप्शन नंबर एक, किसने तोड़ा है? डेरियस विसर ने।
26 नवंबर 2024 को संविधान की कौन सी वर्षगांठ पर है पहली कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो 26 नवंबर आने वाली है 2024 को, तो इसके अंदर 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस पर पहली कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी स्थापित की जाएगी। ये ध्यान रखना कहां पर की जाएगी, हरियाणा के अंदर। कहां पर स्थापित की जाएगी, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कहां पर है, हरियाणा के अंदर स्थापित की जाएगी। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया? तो देखो पेरिस ओलंपिक समाप्त हो गए, अब आगे चलेंगे पेरिस पैरालंपिक। तो पेरिस पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त कर दिया किसको, सत्य प्रकाश सांगवान को। और आपको पता है पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया था, गगन नारंग को, और पैरालंपिक के लिए कर दिया सत्य प्रकाश सांगवान को। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया आर्याना संभालेका ने, ऑप्शन नंबर सी, किसने, आर्याना संभालेका। नोवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित होगा? नोवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा UAE के अंदर। पहले ये बांग्लादेश के अंदर आयोजित होने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल के कारण अब इसको ट्रांसफर कर दिया UAE के अंदर। कहां पर कर दिया, UAE में। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पहलवान है रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024, ये प्रारंभ हुआ है USA और दक्षिण कोरिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी, USA और दक्षिण कोरिया के बीच में शुरुआत हुई है। किस भारतीय खिलाड़ी को सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, ये किया गया, ध्यान रखना, किसको, राहुल द्रविड़ को। उसको राहुल द्रविड़ को मिला है सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हाल में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहां हुआ है? तो 19वां CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हुआ भारत के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया, भारत अफ्रीका सम्मेलन भारत के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने 24वें हस्तशिल्प कार्यक्रम में हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हैं गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी, किसने, गिरिराज सिंह। हाल में इसरो आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो है वो आगामी 5 सालों के अंदर 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ, उन्होंने घोषणा कर दी, कल घोषणा की थी कि जो चंद्रयान 4 है ना, चंद्रयान 4 उसको 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। याद रखना इसको, चंद्रयान 4 है वो 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कल ही इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने इसकी घोषणा कर दी, क्योंकि आगामी 5 सालों के अंदर वो 70 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये किया है एम करुणानिधि के सम्मान में। इसमें एम करुणानिधि के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने फेंका है 89.49, कितना है, 89.49। अभी लुसाने डायमंड में इतना इन्होंने स्कोर बनाया, और इसके अलावा 89.49, और पेरिस ओलंपिक में इनका स्कोर था 89.45, कितना था, 89.45, जिन्होंने कांस्य पदक जीता, और यहां पर इन्होंने 49 यानी कि अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बन गई डायना पंडोले, ये पुणे की रहने वाली है। कहां की, पुणे की रहने वाली है डायना पंडोले। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां हुआ है? तो भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ?
गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के जो काकरापारा के अंदर है ना परमाणु, वहां पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन हुआ यूएसए, यूएसए का मतलब अमेरिका के अंदर, कहां पर हुआ है? अमेरिका में। किस राज्य के आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव का पदभार है संभाला है? तो ये किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की है आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी, इन्होंने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार है संभाला है। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना की शुरुआत की? तो ये की है भारत और डेनमार्क ने, ऑप्शन नंबर है बी, इसने भारत और डेनमार्क ने। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था? तो दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध था सीएसआईआर, इसे था सीएसआईआर की ये पूर्व महानिदेशक थे गिरीश साहनी, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, बढ़िया तरीके से अपने रिवाइज कर लिया। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर, अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट भी चल रही है, इसके अंदर आपको कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको क्लास में मिल रही है, उसी प्रकार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अपनी शिक्षा मनोविज्ञान चल रही है और फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है, और इंडियन पॉलिटी है और सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। ज्वाइन कर सकते हो आप बढ़िया तरीके से, आपको डेली वीकली मंथली पीडीएफ आपको कंटिन्यू क्लास से मेरी दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।